पढ़ेंगे रोल प्रमेय। रोल प्रमेय का स्टेटमेंट अपने पास में है कि यदि संवृत्त अंतराल एबी में फलन एफ निम्न प्रकार परिभाषित है कि फलन, पहली कंडीशन है कि संवृत्त अंतराल एबी में संतत, सेकंड आपके पास है विवृत अंतराल एबी में अवकलनीय है, थर्ड एफ इक्वल टू एफ बी है। तो अब आपको प्रूव करना है कि इस विवृत अंतराल एबी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। देखिए भाई, इसको प्रूव करना है अपने को। तो सबसे पहले तो आपको दे दिया गया है कि अंतराल ए बी में एफ संतत है, अंतराल ए बी में फलन एफ, फलन एफ कैसा है भाई, संतत है। और हम जानते हैं कि प्रत्येक संतत फलन परिबद्ध होता है, इसका मतलब एफ ए बी में परिबद्ध है, एफ ए बी में परिबद्ध है। अब परिबद्ध है इसका मतलब अंतराल ए बी के अंदर एफ का उच्चक और निम्नक विद्यमान है, तो इसलिए ए बी में एफ का उच्चक एवं निम्नक, एफ का उच्चक एवं निम्नक विद्यमान है। अब अगर उच्चक और निम्नक विद्यमान है तो मान लिया कि इसका एफ का जो उच्चक है वो कैपिटल एम है और निम्नक स्मॉल एम है। तो माना एफ का उच्चक कैपिटल एम तथा निम्नक स्मॉल एम है, एफ का उच्चक कैपिटल एम तथा निम्नक स्मॉल एम है, ठीक है ना भाई। इसका उच्चक तो आपने क्या मान लिया, कैपिटल एम, और निम्नक आपने क्या मान लिया है, स्मॉल एम। अब देखिए, हम ये भी जानते हैं कि जो उच्चक है वो हमेशा निम्नक से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो कैपिटल एम ग्रेटर इक्वल क्या होगा, स्मॉल एम। तथा ये भी हमें पता होता है कि जो कोई भी जो फलन होता है अपने उच्चक और निम्नक मान, डार्बू प्रमेय में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो फलन है वो अपने उच्चक और निम्नक मान विवृत अंतराल के अंदर ग्रहण करता है, यानी कि इन बिंदुओं ए और बी पर ग्रहण नहीं करता, इनके दोनों के बीच में किसी बिंदु पर अपने उच्चतम और निम्नतम मान को प्राप्त करता है। तो अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम उच्चक और निम्नक हैं तो यहाँ पर सी और डी कोई भी दो एलिमेंट होंगे ए बी के, ताकि एफ सी इक्वल टू कैपिटल एम तथा एफ डी इक्वल टू स्मॉल एम है, एफ डी इक्वल टू स्मॉल एम। अब देखिएगा, यहां जो दो कंडीशन थी, इन दोनों कंडीशन के लिए हम लोग प्रूव करेंगे कि दोनों कंडीशन में एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो देखिएगा, पहली कंडीशन लेके हल करते हैं अपन। अब और पहली कंडीशन में हमने ले लिया, इसको मैं साफ कर देता हूं। तो देखिए, यदि कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम, ये फर्स्ट कंडीशन अपनी, यदि कैपिटल एम बराबर हो स्मॉल एम के, तब देखिए क्या मिलेगा आपको परिणाम। तो देखिए, जो कैपिटल एम है ये किसके बराबर था, एफ सी के, तो एफ सी बराबर आ गया कैपिटल एम के, और स्मॉल एम भी बराबर है जो कि बराबर था किसके, एफ डी के। और इसका मतलब क्या होगा, देखो जब उच्चक और निम्नक बराबर होने का मतलब क्या होगा, जब भी उच्चक और निम्नक बराबर होता है इसका मतलब वो फलन आपके पास में हो जाएगा अचर, क्योंकि केवल अचर फलन ही है जिसमें उच्चक और निम्नक बराबर हो सकता है, क्योंकि अचर फलन में तो प्रत्येक बिंदु पर फलन का मान समान होता है, इसलिए उसमें उच्चक निम्नक सब बराबर होता है, ठीक है ना। बाकी अचर फलन के अलावा कभी भी उच्चक और निम्नक बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब एफ सी बराबर कैपिटल एम है, इसका मतलब एफ डी भी स्मॉल एम, ये सारे बराबर होंगे, और ये भी आपको पता है एफ ए एफ बी ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, चाहे कोई भी बिंदु ले लीजिएगा, सब पर फलन का जो मान आएगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ उच्चक और निम्नक बराबर है, और उच्चक और निम्नक केवल एक ही शर्त में बराबर होता है जब फलन एफ अचर होता है, ठीक है। तो अचर इसका मतलब चाहे कोई भी ले लीजिए बिंदु, सब पर फलन का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो ये आपने लिख दिया है, यानी कि एफ अचर है, और एफ अचर है इसलिए एफ डैश एक्स के अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अचर फलन का जो अवकलन है, किसी भी अचर का अवकलन क्या होता है, जीरो।
तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ईच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अब जो सी है वो भी तो इसी अंतराल का एक एलिमेंट है, इसका मतलब एफ डैश सी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा आपके पास में जीरो। तो ये आ गया एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो पहली कंडीशन में हमने प्रूव कर दी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। अब दूसरी कंडीशन में प्रूव करेंगे कि दूसरी कंडीशन के लिए भी एफ डैश सी इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो देखिए दूसरी कंडीशन अपने पास में जो थी सेकंड, वो सेकंड कंडीशन आपके पास में है कि m ग्रेटर देन स्मॉल m से। अब अगर m ग्रेटर देन स्मॉल m है तो फिर देखिए भाई क्या बनेगा, तब भाई जो कैपिटल m है ये बिंदु c पर मिल रहा है आपको, तो कैपिटल m यहाँ उच्चक है, उच्चक का मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है। तो इसके अलावा और ये सी पर आ रहा है ना, तो सी के अलावा कोई भी बिंदु अगर आप लेंगे, वो चाहे इसे सी से छोटा लें चाहे हम सी से बड़ा लें, कोई भी बिंदु लेंगे उसके ऊपर फलन का जो मान आएगा वो कैपिटल एम से छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ सी प्लस माइनस एच, सी प्लस माइनस एच मैंने क्यों लिखा है, देखिएगा कि भाई जो सी प्लस एच है सी से बड़ा वैल्यू है, सी माइनस एच का मतलब सी से छोटा वैल्यू है। तो हम चाहे इसे सी से छोटा वैल्यू लें चाहे सी से बड़ा वैल्यू लें, ये हमेशा आएगा लेस देन इक्वल देन एफ सी। एफ सी से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि एफ सी क्या है, कैपिटल एम, उच्चक है, ठीक है ना। तो कोई भी वैल्यू उच्चक से बड़ा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ दो संभावनाएं जो थी, मैं एक बार दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। एक तो ये हो गई इसमें एफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल देन एफ सी, और इसमें एक दूसरी कंडीशन आपके पास हो गई एफ सी माइनस एच लेस देन इक्वल देन एफ सी। दोनों पक्षों में एफ सी घटा दीजिएगा, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, और दूसरी जो कंडीशन आपके पास है इसमें है एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी लेस देन इक्वल देन जीरो। ये यहाँ भी लेस देन इक्वल देन जीरो, ठीक है ना, दोनों में से घटा दिया है आपने। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, या इसके दोनों पक्षों में h का भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में जैसे ही h का भाग देंगे तो ये हो जाएगा f c प्लस एच माइनस एफ सी बटा एच ग्रेटर इक्वल जीरो। और ये जो दूसरी पद आपके पास में है इसके दोनों पक्षों में माइनस h का भाग कर देंगे। माइनस h से क्यों करें, क्योंकि हम दायां उपलज और बायां उपलज बना रहे हैं, तो दायां उपलज में एच होता है और बायां उपलज में माइनस एच होता है, तो दोनों पक्षों को माइनस एच से भाग करेंगे। माइनस एच का जब भाग करेंगे तो यह आ जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटा माइनस एच। और हम जानते हैं जब भी ऋणात्मक संख्या से दोनों पक्षों को भाग करते हैं या गुणा करते हैं तो असमिका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ लेस देन था, तो अब की बार चिन्ह आपके पास में आ जाएगा ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल जीरो, ठीक है। और अब इसको देखना भाई, ये वाला जो है ये वाला डेफिनेशन लिमिट कर दीजिएगा एक बार तो दोनों पक्षों की। तो लिमिट जब अपन कर देंगे तो फिर देखिए क्या बनेगा, तो लिमिट जब कर देंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटा h, और जीरो का लिमिट तो जीरो ही रहेगा, अचर राशि है। और दूसरा जो है ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटा माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी बटा माइनस एच, ये तो लेस देन इक्वल देन जीरो था ना पहले वाला, तो ये आपके पास में ग्रेटर इक्वल जीरो, ठीक है भाई। अब देखो ये तो आपके पास में क्या बन गया, दायां उपलज यानी जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश सी प्लस जीरो से लेस देन इक्वल देन जीरो, और साथ ही में ये आपके पास में बन गया बायां उपलज एफ डैश सी माइनस जीरो, तो एफ डैश सी माइनस जीरो ग्रेटर इक्वल जीरो, ठीक है। और देखिए साथ ही में आपको दिया हुआ है कि विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है, इसका मतलब क्या होगा कि विवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन अवकलनीय है। अब यहाँ जो सी है वो भी तो इस विवृत अंतराल का ही एलिमेंट है, इसका मतलब सी पर भी फलन अवकलनीय है। तो चूंकि फलन एफ बिंदु सी पर अवकलनीय है,
फलन f बिंदु C पर अवकलनीय है, f बिंदु C पर अवकलनीय है। अब f अगर बिंदु C पर अवकलनीय है इसका मतलब क्या होगा कि बायां अवकलज और दायां अवकलज बराबर होगा, तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब बायां अवकलज अवकलनीय कब हो, जब दायां और बायां दोनों बराबर हों। तो जब भी संभव है जब एफ डैश सी प्लस जीरो और एफ डैश सी माइनस जीरो दोनों बराबर हों। और ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं भाई, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये इसमें तो क्या रहा है, एक में तो लेस देन जीरो होगा या इक्वल जीरो होगा, ये कह रहा है कि ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल जीरो होगा। तो देखो लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभास हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर किसके होंगे फिर, जीरो के। तो ये बायां और दायां दोनों किसके बराबर आ गए, जीरो के। तो बायां अवकलज भी जीरो, दायां अवकलज भी जीरो, इसका मतलब अवकलनीय हो गया। और सी पर जो अवकलज है वो कितना हो गया आपके पास में, जीरो, यानी कि सी पर अवकलज यानी एफ डैश सी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, जीरो। यही हमें प्रूव करना था। हाँ भाई, नेक्स्ट रोल प्रमेय का बीजी अर्थ। तो देखिए रोल प्रमेय का बीजी अर्थ होता है कि यदि एफ एक्स एक्स में क्या है, कोई बहुपद है, फिर आपने एफ और एफ भी लिखा था जो कि बराबर थे, जिसका मतलब होगा कि यहाँ x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, ये समीकरण के दो मूल हैं। तो समीकरण एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक मूल a और b के बीच में स्थित होगा, ठीक है ना। तो बीजी अर्थ क्या हो गया कि अगर कोई समीकरण के दो मूल है a और b, तो उन दोनों के बीच में एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक मूल अवश्य स्थित होगा। रोल प्रमेय का ज्यामिति अर्थ। तो देखिए रोल प्रमेय का ज्यामिति अर्थ क्या होगा भाई, देखो रोल प्रमेय में हमने दो कंडीशन देखी थी, एक तो आपने जब प्रूव किया था तो एक आपने देखा कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम, यानी कि जब फलन कैसा है, अचर है। तो फलन अचर होने का मतलब आप लोग जानते हैं कि उसका जो वक्र है वो बिल्कुल ऐसे एक्स अक्ष के समांतर कोई भी एक रेखा हो जाएगी, ये एक्स इक्वल टू ए और ये एक्स इक्वल टू बी, तो दोनों के बीच में ये एक्स अक्ष के समांतर कोई भी एक रेखा आपके पास में हो जाएगी और ये बिल्कुल सीधी रेखा होगी एक्स अक्ष के समांतर, ठीक है ना। और इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर फलन का जो मान है वो कैसा होगा, समान होगा। इसलिए आप लोग यहाँ पर कहते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पर क्यों कहा, ज्यामिति अर्थ क्या हुआ इसका मतलब, देखो भाई एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, स्पर्श रेखा की प्रवणता को। तो यहाँ पर इस वक्र पर कोई भी बिंदु लोगे, उसके ऊपर स्पर्श रेखा बनाओगे तो यही रेखा होगी ना। तो ये जो स्पर्श रेखा है x अक्ष के समांतर है, और x अक्ष के समांतर कोई भी जो रेखा होती है उसकी प्रवणता क्या होती है, जीरो। इसलिए एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें जिसमें कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम था, तो इसमें देखिएगा आपको ये तो पता है कि एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी पर दोनों बिंदुओं पर फलन का जो मान है वो कैसा है, समान है। और अब सीधी रेखा तो आप बना नहीं सकते क्योंकि फलन अचर नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर फलन का जो मान है, दो संभावनाएं बनती, हो सकता है कि या तो पहले फलन का मान बढ़ेगा और फिर फलन का मान क्या होगा, घटेगा। तो पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो घटेगा तो वापस बी पर आ जाएगा घट करके, इस प्रकार का कोई वक्र होगा। या इस प्रकार से भी हो सकता है, देखिए जैसे ये तो x इक्वल टू ए लिया हमने और ये हमने लिया x इक्वल टू बी, ठीक है। तो अभी तो क्या हुआ था, पहले बढ़ गया वैल्यू, अब की बार हो सकता है कम हो जाए और फिर बढ़ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा वक्र, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है पहले घटे फिर बढ़े, ये भी हो सकता है पहले बढ़े फिर घटे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ध्यान देना, दोनों ही वक्र में आप लोग देख सकते हैं कम से कम इस x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में आपको कम से कम एक बिंदु, हो सकता है एक से ज़्यादा भी मिल जाए कई बार, लेकिन कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर आप लोग स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो वो x अक्ष के समांतर आएगी। जैसे यहाँ पर इस बिंदु पर खींचिए स्पर्श रेखा, x अक्ष के समांतर, यहाँ स्पर्श रेखा बनाइए x अक्ष के समांतर, यहाँ स्पर्श रेखा बनाइए x अक्ष के समांतर, इसी प्रकार से यहाँ स्पर्श रेखा बनाइए x अक्ष के समांतर, यहाँ स्पर्श रेखा बनाइए x अक्ष के समांतर है। तो
तो आप चाहे से कोई सी भी कंडीशन की बात कर लें, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू के b के बीच में एक बिंदु, जैसे यहां पर ही आ गया, यहां जैसे ये दो बिंदु मिल गए अपने को, तीन मिल गए है ना। तो जैसे इस वक्र में तीन बिंदु है, इसमें एक है, तो चाहे कोई सा भी वक्र हो, कम से कम एक बिंदु तो आपको ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी। और जैसे ही स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होगी तो उसकी परिवर्तनता एफ डैश एक्स कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष के समांतर है ना, हम जानते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखा की जो परिवर्तनता होती है वो जीरो होती है हमेशा, इसलिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, इन बिंदुओं पर जिन पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्न फलन के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। फलन एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स साइन एक्स फॉर ईच ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, ठीक है। तो अंतराल जीरो टू पाई में आपको इस फलन के लिए रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। देखिए, रोल प्रमेय का सत्यापन के लिए सबसे पहले बात तो कि जो रोल प्रमेय की तीन शर्तें होती है, इन तीनों शर्तों को ये फलन संतुष्ट करना चाहिए। तो जांच करते हैं भाई, ए की पावर एक्स हम जानते हैं चर घातांक के फलन अगर परिभाषित हैं तो हमेशा संतत होते हैं। दूसरा यहाँ आपके पास में है साइन एक्स, तो ये भी हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन अगर परिभाषित हो तो सदैव संतत होते हैं। और फिर संतत फलनों का बीजगणित हमेशा संतत होता है, बीजगणित मतलब संतत फलनों का योग, अंतर, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन, ये भी क्या होगा, हमेशा संतत होगा। इसलिए इनका e की पावर x और साइन x का जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी आपके पास में एक संतत फलन होगा। इसका मतलब ये सर्वत्र संतत फलन है, e की पावर x साइन x। तो चूंकि e की पावर x साइन x सर्वत्र संतत है, अपने को तो इस अंतराल की बात करना है जीरो से पाई की। अब जब सर्वत्र संतत है इसका मतलब जीरो से पाई में भी संतत है, तो जीरो टू पाई में संतत है। अब दूसरी कंडीशन अवकलनीयता की, वही सेम e की पावर x और साइन x हमेशा अवकलनीय होते हैं, तो हमें यहाँ सीधा लिख देना बस e की पावर x साइन x सर्वत्र अवकलनीय है, सर्वत्र अवकलनीय है, इसलिए जीरो से पाई में भी अवकलनीय है, जीरो से पाई में भी क्या है भाई, अवकलनीय है। और तीसरी कंडीशन, इसमें आप एफ ए और एफ बी देखेंगे, एफ ए का मतलब जीरो और पाई पर मान निकालना आपको, दोनों बराबर होने चाहिए। तो जीरो पर देखेंगे एफ जीरो इक्वल टू ई की पावर जीरो साइन जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है तो जीरो आ जाएगा। पाई पर ज्ञात करिए तो एफ पाई इक्वल टू ई की पावर पाई साइन पाई, तो साइन पाई का मान जीरो होता है तो जीरो से मल्टीप्लाई के होके ये भी जीरो आ जाएगा, दोनों बराबर आ गए वैल्यू आपके पास में, यानी एफ जीरो ये बराबर हो गया किसके, एफ पाई के, ठीक है। इसका मतलब फलन रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो इसलिए फलन एफ एक्स रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। फलन एफ एक्स रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, ठीक है ना भाई। जो फलन एफ एक्स रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, अब ये तीनों प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए देखो तीनों को जब संतुष्ट करेगा तो क्या बनेगा, इसका मतलब एफ डैश सी बराबर जीरो होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक बार एफ डैश एक्स करेंगे, तो एफ डैश एक्स कर लीजिएगा, तो इसका अवकलन कर लीजिए गुणा के नियम से, e की पावर एक्स का अवकलन कर देते हैं एक बार, e की पावर एक्स ही हो जाएगा, और प्लस एक बार e की पावर एक्स और साइन एक्स का जो अवकलन है कॉस एक्स हो जाएगा, e की पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो फिर आपके पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई। ये आपके पास में एफ डैश एक्स आ गया, और एफ डैश सी को कर दो आप लोग जीरो, तो एफ डैश सी इसको जीरो कर दीजिएगा भाई, और जीरो करके सी का मान ज्ञात कर लीजिए, तो ये एफ डैश एक्स है, एक्स का वैल्यू सी कर दो तो एफ डैश सी मिल जाएगा। तो ई की पावर सी साइन सी प्लस कॉस सी इक्वल टू जीरो, अब देखिए ई की पावर सी जीरो होगा या फिर साइन सी प्लस कॉस सी जीरो होगा। अब ई की पावर सी जीरो कब होता है, जब सी का वैल्यू क्या होता है आपके पास में, इन्फिनिट या फिर
इधर से अगर हम देखें तो पक्षांतरण कर दीजिए कोस सी का, तो साइन सी इक्वल टू माइनस कॉस सी, तो हल कर दोगे तो कोस सी का भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो टेन सी इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू माइनस टेन, कितने का वैल्यू होता है वन, पाई बाई फोर का, तो ये आपके पास में आ जाएगा टेन पाई बाई फोर, देन टेन सी इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर, इसको आप लिख सकते हैं टेन माइनस पाई बाई फोर, इसका मतलब जो सी का मान है ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास, माइनस पाई बाई फोर, ठीक है ना। अब देखिएगा लेकिन माइनस पाई बाई फोर, देखो सी का वैल्यू एक तो आपके पास आ गया माइनस इन्फिनिट, माइनस इन्फिनिट जीरो से पाई में नहीं आता है, है ना, क्योंकि सी विवृत अंतराल का अंतर एलिमेंट होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिट इस अंतराल में नहीं आएगा। अब माइनस पाई बाई फोर भी इस अंतराल में नहीं आएगा, लेकिन दूसरा अगर हम देखें तो देखो जीरो से पाई के बीच में चाहिए ना आपको सी का मान, तो सेकंड चतुर्थांश आ गया, तो इसमें देखो ये आपके पास में यहाँ जो था इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ टेन पाई माइनस पाई बाई फोर, सेकेंड चतुर्थांश में ऐसा लिख सकते हैं हम, सेकेंड चतुर्थांश में कोई भी एंगल होता है तो उसको अपन पाई माइनस करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो सेकेंड चतुर्थांश में है इसलिए इसको पाई माइनस पाई बाई फोर आपने लिख दिया, इसका मतलब सी इक्वल टू आपकी बार क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई फोर, और पाई माइनस पाई बाई फोर यानी कि सी का वैल्यू आपके पास में आ गया थ्री पाई बाई फोर, और थ्री पाई बाई फोर को आप लोग देख सकते हैं ये एलिमेंट होगा जीरो से पाई का, इसका मतलब रोल प्रमेय सत्यापित होता है।